नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लेकर। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल दिवाली के खास मौके पर राज्यसभा सांसद के आवास पर पहुंचे। बता दें एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सांसद संजय सिंह जेल में हैं। उन्हें 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आप सांसद संजय सिंह मौजूदा समय में तिहाड़ जेल में हैं। बीते 10 नवंबर को राजधानी के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद उन्हें 24 नवंबर तक के लिए जेल में भेजने का आदेश कोर्ट ने दे दिया। बता दें कि यहां पर संजय सिंह के परिवार से मुलाकात करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। इसी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी के घर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। मीडिया में छपी हुई खबरों के मुताबिक यहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के परिवार से भी मिलने के लिए पहुंचे थे। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद 11 नवंबर को मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल होती हुई नजर आई। केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा है, ये तस्वीर बेहद पीड़ादायी है। ऐसा शख्स जिसने देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी, क्या उसके साथ ये अन्याय सही है। बता दें दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में इजाजत मिलने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलने पहुंचे। खास बात यह थी कि मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी से उसी घर में मुलाकात की जिसे उन्हें मंत्री बनने के बाद आवंटित किया गया था। यह घर वर्तमान में मंत्री आतिशी को दिया गया है। आतिशी ने मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ये तस्वीर आत्मा को झकझोर देती है। मनीष सिसोदिया वो इंसान है जिसने लाखों बच्चों की आंखों में एक सपना जगाया। उनके परिवार की आंखों ने इन आंसुओं की कीमत मोदी जी को एक दिन चुकानी होगी। उन्होंने बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए आगे लिखा है, मनीष सिसोदिया के परिवार की आंखों के इन आंसुओं की कीमत मोदी जी को एक दिन जरूर चुकानी होगी। यहां पर देखने के लिए मिला कि अरविंद केजरीवाल पहले संजय सिंह और फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया के परिवार से मिलकर काफी ज्यादा यहां पर भावुक होते हुए नजर आए। बता दें कि दोनों ही नेता शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं बात करें अगर अरविंद केजरीवाल की, तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी इस मामले में समन जारी किया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पेश नहीं हुए, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि अब ईडी जल्द ही दूसरा समन अरविंद केजरीवाल को भेज सकती है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।